हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप दोस्तों आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी का हमारी इस नए यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है। आज हम दोस्तों मैथ पढ़ने वाले हैं। मैथ में पढ़ेंगे वाणिज्य गणित में पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि दोस्तों हमारी इसी प्रकार की मैथ की इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें और आप लोग हमारी वीडियो को सबसे पहले देखें। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वाणिज्य गणित में पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। और दोस्तों मैथ में हम किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं, सबसे पहले उसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसका बेस पता होना चाहिए कि कैसे हम फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। जिस प्रकार दोस्तों आप लोग किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, उसका पहले हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी उसकी बड़ी चीज़ हमें हासिल होती है, वरना नहीं हासिल होती है। इसलिए दोस्तों पहले हम इसका फॉर्मूला याद करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है, फिर हम क्वेश्चन को लगाएंगे। दोस्तों देखते हैं बोर्ड पे। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? मिश्र धन, आपने सुना होगा मिश्र धन बराबर मूलधन। फिर ब्रैकेट लगा होता है 1 + दर / 100। फिर से ब्रैकेट लगा होता है, फिर यहाँ समय। ये हमारा फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का। दोस्तों इसे हम दूसरी प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि मिश्र धन को हम ए कहते हैं, मूलधन पी, वन को हम वन ही लिख लेंगे, दर को आर कहते हैं, ये हंड्रेड को ऐसे ही लिख लेंगे, समय को एन। ये फॉर्मूला इस प्रकार का भी होता है और इस प्रकार का भी। दोस्तों जहाँ पर ए हमारा है मिश्र धन, ए हमारा है यहाँ पर मिश्र धन, और पी हमारा है मूलधन, और आर हमारा है ब्याज की दर। आर होता है ब्याज की दर, आर हमारा होता है ब्याज की दर। ओके दोस्तों, आर हमारा होता है ब्याज की दर। दोस्तों आप लोगों को इसका फॉर्मूला पता हो गया। अब दोस्तों एक और इसका फॉर्मूला है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कैसे करते हैं। दोस्तों जब हमें मिश्र धन पता हो जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन यानी ए माइनस मूलधन यानी पी। जब हम इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए मिश्र धन जो हमें प्राप्त होता है,
मिश्र धन से हम मूलधन को माइनस कर देते हैं, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता है। दोस्तों आप लोगों ने ये सीख लिया होगा कि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ताकि आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकें। दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, तो आपका ये नोट हो गया होगा। अब मैं आपको दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज के। दोस्तों हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन ये है, दिया गया है कि चार सौ रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। दिया गया है 400 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों आप लोग इसे ध्यान से देखना क्वेश्चन को। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले हम फॉर्मूले को लिख लेते हैं। हल फॉर्मूला हमारा था मिश्रधन मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट 1+ दर अपॉन 100 समय। दोस्तों समय को इनसे भी डिनोट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मूलधन हमें दिया गया है 400 रुपये, मूलधन दिया गया है हमें 400 रुपये, और दर वार्षिक ब्याज की दर दी गई है 10%। फिर समय कितना दिया गया है, समय हमें दिया गया है दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। दोस्तों मिश्रधन को हम ऐसे ही लिख लेंगे, मिश्रधन बराबर मूलधन कितना है, मूलधन दोस्तों हमें दिया गया है 400, तो यहाँ पर हमने 400 लिख लिया। फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाया, तो हमने ब्रैकेट लगा दिया। फिर एक को हम ऐसे ही लिख लेंगे। दर कितनी है, ब्याज की दर हमें दी गई है 10%, तो हमने 10% लिख लिया। अपॉन में 100 यानी 100। फिर समय हमें कितना दिया गया है, समय हमें दिया गया है 2 वर्ष, तो हमने 2 ऊपर लिख लिया। अब दोस्तों क्या करना है, अब यहाँ पर आप 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर 1 0 है, यहाँ नीचे 2 0 हैं, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे। फिर हमारा क्या बचेगा, 400 ब्रैकेट 1+1 अपॉन 10। अब दोस्तों हमें इतना प्राप्त हुआ, अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो 10 लिखा है 10 का 1 में गुणा करेंगे, 10 इकन्नम 10, 10 10 में से हम 1 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 सबसे पहले, फिर हम 400 को लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट 10 इकन्नम 10, 10 10 में से 1 को जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा 11 अपॉन में 10, तो अपॉन में हमने 10 लिख दिया। फिर ऊपर क्या लगा था, 2, तो हमने 2 लगा दिया। दोस्तों आप इसे फिर से देख लीजिए कैसे करना है। ये जो 10 लिखा है, 10 10 को
एक से गुणा करेंगे तो 10 एकम 10, 10 को हम फिर एक 10 में एक को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 11, 11 एकम 10, 11 11 अपॉन 10 हो जाएगा। ओके दोस्तों, आपको ये इतना प्राप्त हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 400 गुणा, यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, दो दो ऊपर क्या लगा है, दो, तो हम इसे दो बार लिख लेंगे, दो बार लिख लेंगे। ये हमारा इतना हो गया। अब दोस्तों यहाँ हम यहाँ पर देखिए 4 जीरो लगे हैं, तो हम 2 जीरो नीचे लगे हैं, और यहाँ पर सॉरी दोस्तों यहाँ पर 2 जीरो लगे हैं और यहाँ पर भी 2 जीरो लगे हैं, तो हम इन्हें कैंसिल आउट कर देंगे। ये हमारे कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ हमारा बचा 4। जब 11 11 का गुणा 11 से करेंगे तो कितना मिलता है, मिलता है 121, 121। यहाँ एक है, एक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब दोस्तों 121 का 4 से गुणा करना है, 121 का 4 से गुणा करना है, 121 का 4 से गुणा करेंगे दोस्तों तो हमें मिलता है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 484। दोस्तों ये हमें यहाँ पर मिश्रधन मिल गया है, मिश्रधन मिल गया है। हमें ज्ञात करना था चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर, जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, जब दोस्तों आप लोग देख लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन से मूलधन को माइनस करना होता है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन 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 माइनस मूलधन, मूल धन। दोस्तों हमें मिश्रधन कितना मिला था, मिश्रधन हमें मिला था 484, 484 हमने लिख लिया। फिर मूलधन कितना दिया गया था, मूलधन हमें क्वेश्चन में दिया गया था 400 रुपये, तो हमने 400 रुपये लिख दिया। अब दोस्तों 484 में से हमें 400 को माइनस करना है, फिर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। अगर दोस्तों हम जब 400 में से 484 में से 400 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 84। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो गया है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल आसान तरीके से। अब दोस्तों हम इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। दोस्तों नोट हो गया होगा आप लोग, यहाँ दोस्तों रुपए होगा क्योंकि हमने मिश्र चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात किया है ना, ये रुपए होगा। दोस्तों आपका ये नोट हो गया होगा। अब मैं आपको इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, केवल इसमें हमें मूलधन बढ़ा के दे दिया गया है और बाकी सब वही है। यहाँ इस क्वेश्चन में दिया गया है 600 रुपये का, 600 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमें मूलधन मूलधन दूसरा चेंज कर दिया गया, यानी बढ़ा के दे दिया गया है, और ब्याज की दर हमारी उतनी ही है और समय भी हमारा उतना ही है, हमें इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम भी बिल्कुल आसान तरीके से देखेंगे, आप लोग इसको ध्यान से देखना। इसका सूत्र होता है
मिश्र धन, मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन वन प्लस दर अपॉन हैंडेड, फिर समय। समय, समय को क्या कहते हैं? समय को क्या कहते हैं? समय को एन कहते हैं, समय को एन से डिनोट करते हैं। ओके दोस्तों, अगर क्वेश्चन में आपको एन दिया गया है, अगर समय नहीं बताया गया, अगर एन दिया गया है तो दोस्तों आप लोग समझ जाना कि यहाँ पर ये समय दिया गया है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया गया है? मूलधन में दिया गया है 600 रुपये, तो मिश्र धन इसमें नहीं दिया गया है, तो हम मिश्र धन को ऐसे ही लिख लेंगे। मिश्र धन को हम ऐसे ही लिख लेंगे। मिश्र धन बराबर मूलधन कितना दिया गया है? मूलधन दिया गया है 600 रुपये, तो हमने 600 लिख लिया। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगा लिया, फिर वन वन प्लस दर, दर हमें दिया गया है 10%, तो हमने यहाँ पर 10 लिख लिया। फिर उसके बाद हंड्रेड नीचे लिखा है, तो हमने हंड्रेड को एज इट इज लिख लिया। फिर यहाँ पर समय, समय हमें दिया गया है 2 वर्ष, तो हमने 2 लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ फिर से आपको ऊपर यहाँ पर देखिए, अंश में हमारा 1 0 है और हर में यहाँ पर देखिए 2 0 हैं, तो हम 1 0 से 1 0 को कैंसिल कर देंगे। ओके दोस्तों, फिर यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने 600 लिख लिया, 600, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगा दिया, प्लस वन प्लस वन अपॉन 10। अब दोस्तों अपॉन 10, फिर उसके बाद 2। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। यहाँ से यहाँ देखिए 10, 10 लिखा है, यहाँ 1, 10 का गुणा 1 में करेंगे, 10 इकन्नम 10, और 10 में से हम 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11, 11। 611 अपॉन 10, 2, 2। अब दोस्तों हमें इसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देख लीजिए 11 अपॉन 10, और ऊपर यहाँ पर 2 लिखा है, यानी इसी संख्या को 2 बार गुणा, इसी संख्या को 2 बार गुणा, तो हम कर लेते हैं 600 गुणा 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 10। ओके दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 2 लगा था, इसलिए 2 ये बता रहा है कि जो संख्या दी गई है उसका 2 बार गुणा कीजिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हमने कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमारे 2 0 हैं और यहाँ पर भी हमारे 2 0 हैं, इसीलिए दोस्तों हम 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लेंगे। अगर यहाँ पर 1 0 होता तब हम 1 0 को 1 0 से कैंसिल करते हैं। यहाँ पर 2 0 हैं, यहाँ पर भी 2 0 हैं, तो हम कैंसिल कर लेंगे, ये हमारे कट गए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा बचा है 6 गुणा 11 गुणा 11। जब हम 11 11 का गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें 121, 121। ये आप लोग इधर देख लेते हैं, देख लें, मिलेगा 121, 121, 121 का 6 में गुणा करना है। दोस्तों इधर कर लेंगे, 6 इकन्नम 6, 6 इकन्नम 6, 6 दूनी 12, 12 के 2, 6 इकन्नम 6, 6 1 7, 726। ये हमें मिल गया मिश्र धन, ये हमें मिल गया मिश्र धन, मिश्र धन मिला है। अब दोस्तों हमें ज्ञात करना था चक्रवृद्धि ब्याज। क्या ज्ञात करना था? ज्ञात करना था हमें चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए मिश्र मूलधन से, मतलब मिश्र धन से मूलधन को घटा देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम घटा देंगे,
चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्र वृद्धि ब्याज बराबर। दोस्तों ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे कि बच्चे ने क्वेश्चन को सही किया है। आप लोग भी भाषा को जरूर लिखना क्वेश्चन में। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, मूलधन मिश्रधन। दोस्तों मिश्रधन हमें मिला 726, तो हमने 726 लिख लिया। फिर मूलधन कितना था, मूलधन मूलधन दिया गया था 600 रुपये, तो हमने 600 लिख दिया। अब दोस्तों 726 से हम 600 को घटा देंगे तो दोस्तों हमारा ये बचेगा 126, 126 रुपये। आई होप दोस्तों आप लोग भी इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट ज्ञान में जुड़ जाइए और मैथ की बेहतरीन तैयारी कीजिए। मैं दोस्तों बहुत डीपली कॉन्सेप्ट से मैथ को पढ़ाता हूँ पूरा निचोड़ के साथ, आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से मैथ को पढ़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।